सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम सीखेंगे स्लाइड शो का यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो टैब। इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रॉम बैगनिंग। अभी मान लीजिए जैसे हमारी चार स्लाइड रेडी हैं, 1, 2, 3, 4। फ्रॉम बैगनिंग करेंगे तो हम देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा लास्ट स्लाइड पे जाके फिनिश होगा। ये है हमारा फ्रॉम बैगनिंग कि आप किसी भी स्लाइड पे हो, आपको ये स्टार्टिंग से एंड तक जितनी भी स्लाइडें हैं वो सब रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम करंट स्लाइड। इसमें जो भी स्लाइड आपकी सेलेक्ट होगी, जैसे मान लीजिए सेकेंड स्लाइड आपने सेलेक्ट की और फिर आप करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, तो आपकी सेकेंड स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट स्लाइड हमारी है ये नहीं शो करेगा। अगर मान लीजिए हमने थर्ड स्लाइड को सेलेक्ट किया है और हम फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो देखिए थर्ड और फोर्थ दो स्लाइड केवल हमारी शो करेगा। ये है फ्रॉम करंट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कि अगर मान लीजिए हमें अपने स्लाइड को ब्रॉडकास्ट करना है देन हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कस्टम स्लाइड शो कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी स्लाइड के डिफरेंट टाइप के व्यू हम रेडी करें तो हम कस्टम स्लाइड शो का यूज़ करेंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं बटन पे, कस्टम शोज पे आएंगे। अब देखिए हमारे इस बॉक्स में न्यू बटन है, हमने न्यू पे क्लिक किया। अब ये जो हमारी चार स्लाइड रेडी हैं वो स्लाइड हमारी शो कर रहा, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। अब जो भी आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करानी है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड की और हमने ऐड किया, अब देखिए हमारी स्लाइड 1 ऐड हो गई है और हम चाहते हैं इसके बाद हमारी थर्ड स्लाइड आ जाए, हमने ऐड किया, थर्ड स्लाइड आ गई। फिर हम फोर्थ स्लाइड को जाके ऐड करते हैं, हम चाहते हैं कि बस केवल हमारी 3 स्लाइड यहाँ पर शो करें और कोई स्लाइड ना आए। और यहाँ पे देखिए हमारा स्लाइड शो का नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहें वो दे दें, वरना हम इसको कस्टम शो 1 ही रखते हैं। हमने यहाँ से इसको ओके कर दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम कस्टम स्लाइड शो पे आएंगे तो देखिए शो 1 हमारा शो कर रहा है। अब देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड आई, जो नंबर हमने दिए थे केवल 3 स्लाइड हमारी यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, बाकी स्लाइड हमारी नहीं आ रही हैं। ये है कि हम मान लीजिए बहुत सारे स्लाइड हैं तो हम डिफरेंट टाइप के व्यू यहाँ से रेडी कर सकते हैं। जो भी स्लाइड हम चाहें केवल उन्हें शो कराने के लिए प्रीव्यू रेडी कर सकते हैं और जो हमारा मेन ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सेटअप स्लाइड शो, हम इस पर क्लिक करते हैं कि अगर हमें अपनी स्लाइड की सेटिंग करनी है कुछ भी कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, अगर हमें स्पीकर वगैरह अलाउ करनी है देन हम इसका यूज़ करेंगे। और ये है शो ऑप्शन कि शो से रिलेटेड, जैसे हम चाहते हैं कि लूप चले कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जैसे हम चाहते हैं कि लूप अलाउ करे लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप कि हमारा लूप तब तक चलता रहे जब तक कि कोई कीबोर्ड से एस्केप की एस्केप बटन को प्रेस ना करें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड शो की थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिर से ये वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा लूप बार बार वही काम करता रहेगा और तब तक करेगा जब तक कोई एस्केप ना करे। नेक्स्ट है हमारा शो विदाउट नरेशन, जैसे आपने कुछ नरेट किया है वो नरेशन आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शो विदाउट एनिमेशन, अगर आपको कोई एनिमेशन हटानी है तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं कि कोई भी एनिमेशन आपका शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर आपको पेन कलर वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शो स्लाइड्स कि अभी हम चाहते हैं हमारी सारी स्लाइड शो करें इसलिए ऑल पे क्लिक है। अगर हम चाहें कि एक लिमिट इसकी दे दे, 1 से स्टार्ट हो थर्ड तक शो करे, या हम चाहते हैं सेकंड से थर्ड तक केवल 2 स्लाइड शो करे, या हम ऑल पे जैसा भी हम चाहेंगे वैसा हम यहाँ पे स्लाइड शो सेट कर सकते हैं। अब जैसे कस्टम शो पे हमने क्लिक किया, हम चाहते हैं कस्टम शो पे शो करें तो देखिए हमने एक अभी कस्टम शो रेडी किया था, यहाँ से कस्टम स्लाइड शो पे जाके वो यहाँ शो कर रहा है, हम उसे भी यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे चाहें तो ऑल स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑल स्लाइड शो करेगा, हम जैसा भी चाहेंगे यहाँ से हम शो करा सकते हैं और हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन हाइड करना कि जैसे हम कोई भी स्लाइड चाहते हैं कि हमारी हाइड हो जाए
जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट किया और हमने हाइड पे क्लिक किया। अब जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, देखिए वन नंबर पे इसने ऐसे क्रॉस का साइन लगा दिया कि हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो हाइड हो गई। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीन स्लाइड शो करेगा। हम F5 करके देखते हैं, ये देखिए जो हमारी फर्स्ट स्लाइड वेलकम की थी वो नहीं शो कर रहा है। और वापस हम इसको सेलेक्ट करके अनहाइड कर देंगे तो हमारी स्लाइड अनहाइड हो जाएगी। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब देखिए हमारी जितनी भी स्लाइड हैं वो सब शो कर रहा है। नेक्स्ट है रिहर्स टाइमिंग, कि अब हमारी मान लीजिए चार स्लाइड हैं, अब यहाँ पे जैसे हमारी चार स्लाइड हैं, हम सबकी टाइमिंग चाहते हैं सेट कर दें कि हर एक स्लाइड पे इतना टाइम दे, उसके बाद कंट्रोल है वो नई स्लाइड पे मूव हो जाए। हम रिहर्स टाइमिंग पे जाएंगे। अब देखिए ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हम जितना चाहे हमने किया इस स्लाइड पे 4 सेकेंड, जो हमारी ये स्लाइड है इस पर 4 सेकेंड दे, फिर इस स्लाइड को हम चाहते हैं ये 2 सेकेंड दे, और इस स्लाइड पे भी हम चाहते हैं 3 सेकेंड दे। अब ये देखिए टोटल टाइमिंग दिखा रहा है कि पूरी आपकी प्रेजेंटेशन पे 18 सेकेंड का टाइम लगेगा। हमने इसको यस किया और वापस आ गए। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड पे 5 सेकेंड है, सेकेंड पे 5 है, थर्ड स्लाइड पे हमारे 4 सेकेंड हैं, और जो हमारी फोर्थ स्लाइड है उस पर भी 4 सेकेंड है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। हम ट्रांजिशन टैब पर आए। अब जो भी स्लाइड की टाइमिंग चेंज करनी है मैंने उसे सेलेक्ट किया, और ये जो ड्यूरेशन है हम यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको 1 सेकंड कर दिया, अब देखिए इसकी टाइमिंग जो है हमारी 1 सेकंड की हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये वाली जो स्लाइड है इसका भी हम टाइम चेंज कर दें। अब देखिए इसका यहाँ से हमने 2 किया, इसकी भी टाइमिंग चेंज हो गई है। अब जो फर्स्ट स्लाइड है हम चाहते हैं इसका भी टाइमिंग चेंज कर दें, हम इसका भी टाइम चेंज कर देते हैं। हमने सबकी टाइमिंग चेंज कर दी, किसी भी स्लाइड पे हमने डबल क्लिक किया और वापस अपने पेज पे आ गए। अब हम स्लाइड शो पे आते हैं और F5 प्रेस करते हैं। अब देखिए हम कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक मूव कर रही है। जिस स्लाइड पे जितना टाइम दिया है वो उतनी ही देर रुक के नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा है। ये है रिहर्स टाइमिंग, कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्लाइड का टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब जैसे कि कोई भी स्लाइड हम चाहते हैं कि हमने रेडी की है, कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, हम चाहते हैं कि जो भी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम करें, नरेशन करें, वो रिकॉर्ड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जैसे हम रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, और हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। ये देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड है जो कि हमने स्टार्ट किया है, इस पे है हमारा टाइटल वेलकम। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये हमारी सेकंड स्लाइड है जिसमें हमारा नाम है डीके वेबटेक ट्यूटोरियल्स। अब देखिए हमने उसको वहाँ से क्लोज कर दिया, वापस अपनी स्लाइड पे आए, डबल क्लिक किया। अब ये देखिए जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है इस पे ये हमारा स्पीकर का साइन बन के आ रहा है कि साउंड का। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से प्ले करते हैं। अब देखिए जो हमारी सेकंड स्लाइड है हमने इस पे भी रिकॉर्डिंग की थी, हमने इसको प्ले किया। ये देखिए केवल हमने 2 स्लाइड्स पे रिकॉर्डिंग की है, तो 2 स्लाइड्स को रिकॉर्ड किया है, बाकी पे किसी पे हमारा साउंड का सिंबल बन के नहीं आ रहा है। हम फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं
और रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, क्लियर पे क्लिक करेंगे। अब क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, अगर हमें टाइमिंग हटानी है तो हम टाइमिंग क्लियर कर सकते हैं। हम फिर से इस पे आएंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्लियर नरेशन जो भी हमने नरेट किया है उसे क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा साउंड का सिंबल था फर्स्ट स्लाइड से हमारा रिमूव हो गया और सेकंड वाला भी है। फिर हम रिकॉर्ड स्लाइड शो पे करते हैं, हमने क्लियर पे क्लिक किया, क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड्स हमने किया। अब जितनी भी स्लाइड थी उनसे हमारा नरेशन क्लियर हो गया है। ये था हमारा रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन। ये हमारा प्ले नरेशन है कि जो भी नरेशन हम करते हैं उसे हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, हम यहाँ से टाइमिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा है मॉनिटर का। मॉनिटर जैसे रिजोल्यूशन हमें सेट करना है, प्रेजेंटर का यूज़ करना है, देन हम इसका यूज़ करेंगे। ये थे हमारे स्लाइड शो के ऑप्शन जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू टैब सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।